नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी। उसमें भी वर्णिका हमारा चैप्टर नंबर, कक्षा 10 वर्णिका है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास। मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे साथ 15 मिनट दे देते हो, मात्र 15 मिनट, तो आपको इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव और एक भी सब्जेक्टिव अगर छूट जाए तो मुझे कमेंट कर देना बाद में आकर के, सर जी छूट गया, मेरे भाई मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। आप बोलते सर ऐसा क्यों बोलते हो, इतनी मेहनत इस वीडियो में मैंने शिद्दत से की है बच्चों, अगर उतनी शिद्दत से आप मेहनत करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये जो ढहते विश्वास ये जो है कहानी, ये सबसे पहली बात है मेरे बच्चे, ये कहानी किस पर लिखी गई है? तो ये कहानी लिखी गई है लक्ष्मी के ऊपर में। लक्ष्मी नाम की एक औरत थी। लिखने वाले कौन थे इसको? तो इसको लिखने वाले थे सात कोड़ी होता, ये कहानीकार का नाम है। लेकिन पूछा जाए आपसे इसने किस भाषा में लिखा था, तो उसने इस कहानी को उड़िया भाषा में लिखा था, यानी ये उड़ीसा की कहानी है, इसीलिए कहते हैं उड़िया भाषा। केरल की कहानी होती तो हम उसे कन्नड़ कहते हैं, अगर राजस्थान की होती तो हम उसे राजस्थानी कहते हैं, बिहार की होती तो हम उसे बिहारी कहते हैं। अब बात आती है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इसको हिंदी में, लेकिन ये लिखा गया है उड़िया भाषा में, तो इसको हिंदी में किसने किया होगा? तो इसको हिंदी में करने वाले थे राजेंद्र प्रसाद मिश्र। इन्हें अनुदित किया था, इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट किया था राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। और फिर आती है बच्चों कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को। तो हमने देखा ये लेखक परिचय, किसने लिखा, किसने इसे अनुदित किया, सब कुछ देखा। अब आइए कहानी पर चलते हैं। कहानी बड़ी सिंपल है। लक्ष्मी नाम की एक औरत होती है और उसका पति जिसका नाम लक्ष्मण होता है, और इसके टोटल 4 बच्चे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि लक्ष्मण कौन था? तो लक्ष्मी का पति था। और इसके कितने बच्चे थे? टोटल 4 बच्चे थे, जिसमें एक बड़ा लड़का था जिसका नाम अच्युत था। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद रखना, कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत, इसके बड़े लड़के का नाम था। उसके साथ में 2 बेटी थी और एक छोटा बेटा था। छोटा कितने साल का था पूछेगा? 1 साल का बेटा था। अब इसका गुजारा चल रहा था। लक्ष्मण जो कि ये बिल्कुल मिडिल फैमिली का, एक हम कह सकते एकदम गरीब फैमिली की कहानी है, तो लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था बोलिए? ये कोलकाता में जाके मजदूरी करता था, जिससे उतना पैसा नहीं हो सकता था, तो खर्च को मेंटेनेंस करने के लिए, ज़्यादा खर्च हो जाता था उसको मेंटेनेंस करने के लिए, लक्ष्मी भी गांव में तहसीलदार साहब के यहाँ काम करती थी। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ पर लक्ष्मी भी घर चलाने के लिए काम करती थी। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, काम करती थी, ठीक है, क्योंकि इन 4 बच्चों का भरण पोषण हो सके। और लक्ष्मी एक काम और करती थी, वो काम क्या करती थी? इसके जो पूर्वज थे वो 1 बीघा ज़मीन छोड़ के गए थे। कितना बीघा ज़मीन बताइए कमेंट करके मुझे। 1 बीघा ज़मीन छोड़ के गए थे, उस पर ये खेती करते थे अपने बड़े लड़के अच्युत के साथ में। सबसे पहली बात, अच्युत के साथ में। अब देखना कितना भारी दिक्कत पड़ा इस कहानी में। इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों पड़ा, हम ये भी आपको बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो जैसे ही इसकी शादी होकर के आया, मतलब जब है ना, लक्ष्मी जब शादी होने के बाद गांव आई, तो गांव में जैसे ही आई तो बहुत भारी उसके बाद तूफान आया गांव में। क्या आया? तूफान, जिसमें क्या हुआ कि लक्ष्मी के घर के छप्पर ऊपर सब उड़ गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जब इसके पति कोलकाता गए थे, तो ये खेत में इन्होंने क्या किया था, 1 बीघा जो ज़मीन था उसमें धान रोपा था। धान का जो बिचड़ा होता है मेरे बच्चे, बिचड़ा आप लोग जानते होंगे कि धान का जो बीज छींटने के बाद जो पौधा निकलता है उसको बिचड़ा कहते हैं। उसके बाद उसे जाकर के खेत में बोया जाता है, जानते हैं कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो इन्होंने उसमें बिचड़ा बोया था जी, ठीक है ना। तो बहुत सुखाड़ हो गई, बिचड़ा बोने के बाद बहुत सुखाड़ हो गई, जिसके कारण से इसका बिचड़ा भी जल गया। अब बोलोगे सर ये तो कमाल हो गया, पहले तो सर इसका तूफान से घर उड़ गया, फिर बिचड़ा भी जल गया सर। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, उसके बाद भारी बरसात हुई। गांव में भारी बरसात हुई, ठीक है ना, भारी बरसात हुई। और उसके बाद मेरे बच्चे अब समय आ गया बाढ़ का। अब क्या समय आ गया बोलो? बाढ़ का। तो अगर पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी में किसको दर्शाया गया है, मेन विभीषिका क्या है, विभीषिका यानी सबसे भयावह चीज़ क्या है, तो सबसे भयावह चीज़ है बाढ़।
बाढ़ भयावह चीज है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में आई थी, आंसर बोलिएगा ढहते विश्वास में आई थी। ठीक है बच्चों, अब दूसरी बात क्या है, जब बाढ़ की समस्या आई तो लक्ष्मी का जो घर था उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसे घर के ऊपर में मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पर एक बांध था जिसका नाम था देवी बांध। क्या नाम था? देवी बांध। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था, आंसर बोलिएगा देवी बांध के नीचे था। इसके पास में थोड़े से पास में एक बांध था, दलई बांध इसका नाम था। क्या नाम था? दलई बांध इसका नाम था, जो कि बिल्कुल करीब में ही था। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता था दलई बांध में कि इसके घर से, इसका घर फूस का था, सबसे पहली बात फूस का था, और इसके घर के है ना, अगर यहाँ से बरांडे से देखा जाए तो यह बांध दिखाई पड़ता था, और अगर छप्पर पर चढ़ जाया जाए तो इसका पानी भी दिखाई पड़ता था। ये बांध कर है ना, और इसी बांध के कारण बार बार इसके गांव में बाढ़ पानी आता था। जैसे अगर आप बिहार के ही स्टूडेंट तो मुझे लगभग देखते हैं तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हमारे बिहार में भी बाढ़ आती है ना। जी जी, बहुत भारी बाढ़ आती है। तो इसी तरह से बाढ़ यहाँ पर हर बार किस बांध से आता था, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि लक्ष्मी के गांव में बाढ़ किस बांध से आता था, तो आंसर बोलिएगा दलई बांध से बाढ़ आता था। ठीक है ना, और जस्ट इसके थोड़ी ही दूर में एक और बांध था जिसका नाम था हीरा कुंड बांध। आप सभी को पता है कि हीरा कुंड बांध जो है, आप लोग पढ़ते होंगे SST में यानी सोशल साइंस में, कि ये महानदी पर स्थित है। और ये किस नदी पर है, सॉरी ये हमारा किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है, और ये महानदी पर स्थित है। तो ये महानदी पर स्थित है, यहाँ से भी बाढ़ इसके यहाँ पर आता था, लेकिन अभी इसके सामने, लक्ष्मी के सामने कभी आया नहीं था। लेकिन इस बार बाढ़ की समस्या ये हो गई कि इतनी बरसात हुई जिसके कारण से ये वाला बांध पूरा फुल हो गया, ये वाला बांध पूरा फुल हो गया, और यहाँ से भी पानी आने के लिए तैयार हो गया, हीराकुंड बांध से भी पानी आने के लिए तैयार हो गया। अब क्या हुआ कि जब पानी आने को तैयार हो गया तो लक्ष्मी अकेले, क्योंकि इसका पति कहाँ पर था पता है आप लोगों को, कमेंट कर दीजिएगा, तो लक्ष्मी के पति तो यहाँ थे नहीं, इसलिए लक्ष्मी को बहुत दिक्कत हुआ कि अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा। तो बाढ़ आने के बाद क्या हुआ बच्चों, बाढ़ जब गांव में आने का मतलब नौबत आ गया, तो एक गांव में पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुण निधि। क्या नाम था? गुण निधि। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि लक्ष्मी के गांव का है ना, गांव के पढ़े लिखे लड़के का नाम क्या था, तो आंसर था गुण निधि। तो गुण निधि ने बोला कि मैंने बांध बनाने में कई बार काम किया है, इसने मैंने हीराकुंड बांध में भी अपना सहयोग दिया है, तो मैं क्या करूँगा। तो इन्होंने एक संगठन बनाया, इन्होंने कुछ लड़के को लेकर के संगठन बनाया जिसका नाम रखा स्वयं सेवक, है ना, स्वयं सेवक, सेवक संगठन, ऐसे कुछ नाम रखा है इसका, स्वयं सेवक, यानी कि अपने से आपको क्या करना है, मतलब स्वेच्छा से आपको मदद करनी है। स्वयं सेवक के नाम से ऐसा कुछ संगठन था, स्वयं सेवक ही था शायद। इन्होंने क्या बनाया, एक संगठन बनाया, और उसे बहुत सारे लड़कों को जोड़ा और बोला कि देखिए बाढ़ को हम ऐसे रोक नहीं सकते, पूरी तरह से बाढ़ को तो रोक नहीं सकते, लेकिन रोकने का प्रयास तो कर सकते हैं ना। तो इन्होंने मिलकर के क्या किया कि इस बांध पर, दलई बांध पर जहाँ जहाँ छेद हुआ था वहाँ पर जाकर के गिट्टी उट्टी बांध करके देना स्टार्ट कर दिया, कि कुछ दिन तक कम से कम बाढ़ को रोका जाए, कुछ दिनों तक बाढ़ को कम से कम रोका जाए। तो बाढ़ को रोकने के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के अच्युत को भी इसके साथ भेज दिया, गुण निधि के साथ में, कि जाओ और तुम भी अपने गांव को बचाने के लिए बाढ़ में जाकर के अपना सहयोग करो रोकने के लिए। तो यहाँ गुण निधि यहाँ पर के साथ में ये भी आ गया अच्युत, सब ने मिलकर के रात भर, प्यारे बच्चों कहते हैं रात भर इसमें क्या किया, बहना मतलब कि मिट्टी उट्टी देते रहा ताकि पानी गाँव ना घुसे, पानी गाँव ना घुसे। लेकिन कब तक रोक सकते थे, जब पानी अगर ज़्यादा बढ़ रहा था तो उसको कब तक आप रोक सकते थे। तो क्या हुआ मेरे बच्चे कि अचानक इसमें पानी बढ़ गया, तो एक दो दिन के अंदर इससे पानी बाहर निकलने लगा। तो गांव के जो सरपंच साहब थे, सरपंच साहब ने बोल रखा था कि जैसे बाढ़ का पानी ज़्यादा हो जाए, तो तुम लोग मुझे खबर कर देना। तो गुण निधि ने सरपंच को खबर कर दिया, ठीक है ना, कि देखिए पानी बढ़ गया। तो सरपंच साहब ने गुण निधि को फिर कहा कि जाओ और पूरे गाँव में जल्दी से जाके बोल के आ जाओ कि सब लोग गाँव खाली करे, क्योंकि गाँव में बाढ़ आ रहा है। यार कितना अजीब चीज़ है, गाँव में बाढ़ आ रहा है, जल्दी से खाली करे। तो बच्चों अंतिम में हम आपको सारा ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, आप लोग आराम से रहिए। तो क्या हुआ कि बोला कि जाकर के गांव को खाली कराइए। तो गांव को जाकर के बोला सबको भागो भागो, बाढ़ आ गया। तो सब लोग वहां से जल्दी जल्दी भागने लगे। लेकिन ये जो लक्ष्मी थी, क्योंकि मेन कहानी लक्ष्मी पर ही है, तो लक्ष्मी क्या थी, लक्ष्मी इंतजार कर रही थी कि मैं तो भागूंगी जरूर, लेकिन मेरा बेटा पहले अच्युत तो आ जाए,
तो अच्युत की याद में, अच्युत के इंतजार में इसके, है ना, इसे भागने में बच्चों देरी हो गई, जिसके कारण अच्युत भी नहीं आया। उसके बाद कुछ देर के बाद अच्युत का उधर से मतलब आवाज़ आ रहा है इस बांध के किनारे से, माँ बोल के बहुत जोर से बोल रहा है, माँ माँ ऐसे बोल रहा है ना, तब है ना, तब लगा इसको लक्ष्मी को कि अब हम लोगों को भागना चाहिए। तो लक्ष्मी ने क्या किया, अपने दोनों बेटी को और अपने बेटे को लेकर के लक्ष्मी भागना स्टार्ट करती है। तो भागने पर क्या होता है, फिर उसका पैर फिसल जाता है और उसके वो अपने साथ में कुछ बोरा में कुछ बिचड़ी और कुछ कपड़ा उपड़ा लेकर के जाती है, तो बोरा उसके हाथ से है ना गिर जाता है। और ये जो है दोनों बेटी को बोलती है कि तुम लोग आगे भागो, जल्दी भागो। तो दोनों बेटी वहाँ से भाग जाती है और आकर के यहाँ पर एक ऊंचा टीला होता है, ऊंचा टीला पर आ जाती है। लेकिन लक्ष्मी जो है ना, भागते भागते लक्ष्मी के पहले ठौने तक पानी, फिर कमर तक पानी, फिर यहाँ तक पानी, फिर गले तक पानी आ जाता है। जब गले तक पानी आ जाता है तो लक्ष्मी अपने बेटे को, ये जो एक साल का बेटा था पता है आप लोग को, इसको हाथ पर उठा लेती है और हाथ पर है ना उठा करके अपने बाल के सहारे बरगद के पेड़ में, एग्जाम में पूछा जाता है किस पेड़ में चढ़ा था, तो बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है और वहाँ चढ़ के बेहोश हो जाती है। बरगद के पेड़ पर चढ़ के बेहोश हो जाती है ना। इस टीले पर एक मंदिर है मेरे बच्चे, इसका नाम है चंडेश्वरी का मंदिर, है ना, चंडेश्वरी देवी का मंदिर है यहाँ पर। और लोगों को बहुत भरोसा होता है इसके ऊपर में, बहुत भरोसा होता है कि ये जो चंडेश्वरी माँ है ये हम लोगों को बचाएगी। लेकिन कहते हैं जब विपदा आता है ना तो कोई भगवान भी साथ नहीं देता यार, ठीक है ना। तो चंडेश्वरी मंदिर के पास लोग यहाँ पर चढ़ गए, कुछ लोग यहाँ पर स्कूल में चढ़ गए, यहाँ पर स्कूल है देखिए स्कूल, कुछ लोग स्कूल पर चढ़ गए, लेकिन स्कूल पूरा पानी से भर गया बच्चों। जब बाढ़ का पानी आया गांव में, देखते देखते पूरा गांव तुरंत भर गया, तो ये पूरा गांव भर गया और स्कूल के छत पर भी ठौने भर पानी हो गया। यार हंसोगे तुम लोग, सर छत पर, हाँ छत पर भी ठौना भर पानी हो गया बच्चों, इतना पानी आ गया था गाँव में, ठीक है। और लक्ष्मी का क्या हुआ सर, लक्ष्मी तो यार बरगद के पेड़ पर बेहोश रही, जिस दिन में पानी आया था उस दिन पूरा रात बेहोश रही, पूरा दिन पूरा रात। दूसरे दिन इसको है ना, जब सूर्य उगा है तब उसको याद आया कि मैं ये है ना कहाँ पर हूँ, तो इसे पता चला कि मैं बरगद के पेड़ के ऊपर हूँ। तो ये देखती है इधर उधर, तो यार मरे हुए लोग आसपास में भस रहे हैं, एक भैंस भी मरी थी वो भी आसपास में भस रही थी। एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया, जब बाढ़ आने वाला था तो लक्ष्मी ने पहले अपने भैंस को और दोनों बकरी को खोल दिया ना, बकरी को खोल दिया था ताकि बाढ़ आए तो ये भाग जाए, भस रही थी। अब लक्ष्मी ने देखा कि उसके स्तन के साथ उसका बेटा नहीं है, तो वो बेटे को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन उसका ये बेटा छोटा वाला, हाँ छोटा वाला बेटा, छोटा वाला उसके पास नहीं था, छोटा बेटा कहाँ पर खो गया था बच्चों। लेकिन उन्होंने देखा कि एक वैसा ही बच्चा मर के प्यारे बच्चों भंसा हुआ आ रहा है, तो उसे लेकर के उन्होंने अपना स्तन पिलाना यानी दूध पिलाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका बेटा मर गया। तो आप पूछोगे सर क्या इसका बेटा मर गया, हाँ मेरे बच्चों बाढ़ में उसका बेटा मर गया, ये भी मर गया। और ये जो है अच्युत भी वापस नहीं आया, उसको अच्युत से भी मुलाकात नहीं हुई, है ना। 300-400 लोग स्कूल के कमरे में घुस गए थे सब लोग, यहाँ पर ऊपर वाले कमरे चंडी माई का है ना, ये जो था हमारा चंडेश्वरी जो थान था वहाँ पर जाकर के सब लोग जमा हो गए। यहाँ पर मेला लगता था, एग्जाम में पूछा जाएगा कि मेला कहाँ लगता था, तो चंडेश्वरी मंदिर में मेला लगता था, ठीक है ना। लोग कहाँ भाग के गए थे, तो ऊंचे टीले पर गए थे, है ना। अब आइए, तो ये कहानी था बच्चों, इसमें क्या हुआ था तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि सब लोग भाग, अब देखिए अब यही हमारा कहानी है कि लास्ट में जो हुआ कि बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ में बहुत बुरा हुआ कि सभी लोगों का जो विश्वास चंडेश्वरी माता पर था, तो सभी लोगों का विश्वास ढह गया बच्चों, इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया ढहते विश्वास। जितने भी लोग थे सभी का विश्वास ढह गया। यहाँ से लगभग 20 ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, एक साथ हम 20 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछना चाहते हैं, चलिए मेरे साथ बोलिए फटाफट। सबसे पहले ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, सात कोड़ी होता, उसका जन्म कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929 को। इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने। यह कहानी किस भाषा में है, उड़िया भाषा में। ढहते विश्वास कहानी में किसकी विभीषिका को दर्शाया गया है, बाढ़। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है, लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति कौन है, लक्ष्मण। लक्ष्मी के कितने बच्चे हैं, 4। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या है, अच्युत। लक्ष्मी का घर कहाँ था, देवी बांध के नीचे। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर। किस राज्य में, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। वहां पर कौन सा मंदिर था, चंडेश्वरी मंदिर। लोग भागकर कहाँ गए थे, स्कूल में गए थे और चंडेश्वरी मंदिर में गए थे, दोनों जगह गए थे। इस कहानी में क्या क्या होता है, तो इस कहानी में मेरे बच्चे तूफान आता है, सुखार आता है, बरसात, लेकिन बाढ़ सबसे अधिक। गांव का पढ़ा लड़का कौन था, तो वो गुणनिधि था। गुणनिधि ने बाढ़ आने की सूचना किसको दी, सरपंच साहब को। लक्ष्मी कहाँ काम करती थी, तहसीलदार के घर पर।
लक्ष्मी का ससुर, ये प्यारे बच्चों इसके बारे में नहीं बताया कि लक्ष्मी का ससुर जो था वो जब लक्ष्मी शादी करके आई थी नई नई, तो उसका ससुर मारा गया था कहाँ पर, तो बांध बनाने में, हीराकुंड बांध बनाने में इसके ससुर जो है ना पत्थर से चमक करके इसका ससुर मर गया था, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए, भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए बांध किसने बनाया था, तो उसे बनाया था महाराजा ययाति केसरी ने, महाराजा ययाति केसरी ने भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए बांध बनाया था, बांध बनाया था पत्थर का बांध, ये भी पेपर में आता है बच्चों, ठीक है ना। और किस संगठन को बनाया था गुणनिधि, तो स्वयं सेवक संगठन, ऐसा ही करके कुछ नाम है, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अंतर हो सकता है बच्चों। कौन सा पेड़ पर लक्ष्मी लसक गई थी, मतलब रह गई थी अटक करके, तो आंसर होगा बच्चों बरगद का पेड़, क्या होगा बरगद, ठीक है ना। और मेरे ख्याल से अब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों जो कि आपके एग्जाम में छूट सकता है। लक्ष्मण कहाँ काम करता था, कोलकाता में करता था, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना तो ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना तो सब्जेक्टिव। अगर आप ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ जाकर ऑब्जेक्टिव का टेस्ट दीजिए। आपके एग्जाम में अगर देखिए आपके एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है, मेरे बच्चों ये है मेरे पास वर्णिका बुक, यह है मेरे पास वर्णिका बुक बच्चों, इससे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास वर्णिका बुक लिखा है कि लक्ष्मण है ना, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी बहुत ही साहसी औरत थी। उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र बताए, तो ये उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसका पति कोलकाता में काम करता था, उसके पास एक बीघा जमीन था, उसका एक लड़का है ना, एक लड़का बड़ा था अच्युत नाम था, उन सब के साथ उनके वो खेती करती थी और उससे भी पैसा नहीं पड़ता तो काम करने के लिए तहसीलदार के यहाँ काम करने जाती थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखार से काफ़ी प्रभावित है, तो बिल्कुल हम लिख सकते हैं जो हुआ था बाढ़ की घटना उसको लिखना है बच्चों। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण कीजिए, तो कैसा बाढ़ आया था, आपको पता है कि सभी इंसान को सभी जानवर को यार मार के चला गया, आधा से अधिक लोग मर गए उसमें। आगे लिखा है बच्चों कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताइए, कहानी का शीर्षक बहुत ही बढ़िया है ढहते विश्वास, क्योंकि जो सभी इंसान भगवान पर विश्वास करते थे उन सभी का विश्वास भगवान पर से उठ गया, हम कह सकते हैं कि है ना विश्वास सबका ढह गया। अगला लिखा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए, मैं बता रहा हूँ भाई साहब की लक्ष्मी बहुत ही अच्छी औरत, बहुत ही साहसी औरत थी, जो अपने पति के नहीं रहने के बावजूद भी अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलना चाहिए, और लक्ष्मी बच गई थी, हाँ लक्ष्मी नहीं मरी थी, लक्ष्मी बच गई थी, वो फिर बाहर कैसे निकली इसके बारे में बुक में नहीं दिया गया, लेकिन लक्ष्मी बच गई थी। उसका बड़ा लड़का अच्युत के बारे में फिर कुछ नहीं, वो गायब हो गया था, उसका छोटा लड़का दोनों गायब होते, बस दोनों बेटी और लक्ष्मी बच गई थी। अगला लिखा है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, इसके बारे में भी आपको आराम से लिखना है। कहानी का सारांश लिखे बच्चों, तो ये मैंने बताया आपको कहानी का सारांश, किसी भी कहानी को अगर शॉर्टकट में लिख दे तो इसको बोलते हैं कहानी का सारांश। इसका टेस्ट जरूर दीजिए, इसके नीचे लिंक है मेरे बच्चे, और आप लोग अगली वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको पूरी मिलेगी मेरे बच्चे, ठीक है ना। ऑल सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना अपलोड कर रहा हूँ, और इस वीडियो को शेयर दोस्तों पर जरूर कीजिए, ताकि उसको भी एग्जाम में मेरे बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आएगा एक और ऑब्जेक्टिव तीन, तो चार या पाँच नंबर का ये पूरा आज वीडियो आपने देखा। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा मेरे बच्चे, और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, अगर कोई क्वेश्चन अभी भी इसमें बचा है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं देख करके उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।